बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक होनी है। कल सुबह 11:30 बजे ये गठबंधन की बैठक होने की जानकारी सामने आई है। सीट बंटवारे और संयोजक के नाम पर चर्चा होगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, कुल मिलाकर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर पाना इंडिया के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ जगहों पर बात बनती दिख रही है, लेकिन वो पूरी तरह से कब बन पाएगी ये अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन साथ ही कल वर्चुअल बैठक 11:30 बजे होगी, इस बात की जानकारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है सीट शेयरिंग पर, कांग्रेस आपकी बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है सीट शेयरिंग पर जल्द अंतिम फैसला होगा। आगे उन्होंने कहा कि जब तक हर बात तय नहीं हो जाती बैठकें होती रहेंगी। यानी कि जो लोग खास तौर पर मीडिया जब उनसे सवाल करता है कि बैठक के बाद नतीजा क्या मिला, आखिर आपका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बनकर तैयार क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर सलमान खुर्शीद ने तय किया है कि आगे कई बैठकें होंगी, फाइनल मोहर जब लगेगी तब आपको बताया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच सीट बंटवारे पर ही, एक और बड़ी खबर, कल कांग्रेस और जेएमएम की भी बैठक होनी है। कल सुबह 11:00 बजे कांग्रेस गठबंधन समिति की बैठक होगी और कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक होनी है। कल एसपी आरएलडी के साथ भी बैठक की संभावना है। हालांकि शुरुआत में खबर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो बैठक को लेकर प्रारूप है वो 15 जनवरी को फाइनलाइज होगा, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि कल एसपी और आरएलडी के साथ भी बैठक मुमकिन हो सकती है। इस वक्त की सबसे अहम खबर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक बार फिर से हम इस बात पर आपको एक बार जानकारी दे दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कल ये कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज को लेकर जो जानकारी हुई है, आज की जो बैठक है उसके बारे में बताइए जरा। कल जो वर्चुअल बैठक होनी है उस पर मैं आगे जानकारी मांगूंगी आपसे, लेकिन आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा, क्या जानकारी? देखिए, इसको मैं समअप करूं तो इस तरह से समझा सकता है कि जब नेता जो है मीटिंग करके निकले तो बोले कि सबको अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन सीट शेयरिंग क्या होगी इसको लेकर मिस्ट्री है, वो बरकरार है। दो बार बैठक हो चुकी है, 8 दिसंबर को हुई, आज बैठक हुई, तकरीबन 2 घंटे चली। इसमें जो है वो नेता थे जो दोनों पार्टियों की तरफ से कहा गया था कि आप शेयरिंग करें, बातचीत करें, एक दूसरे को अपना प्रस्ताव आदान प्रदान करें। अब देखिए, दोनों ही पार्टी के जो आलाकमान है उनके पास पे ऑफर पहुंचाया गया है। और आपको बड़ी खबर दे दें कि जो वर्चुअल मीटिंग होगी, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, उनसे हमने पूछा कि अरविंद केजरीवाल इसमें हिस्सा लेंगे, उन्होंने कहा कि हाँ वर्चुअली वो हिस्सा लेंगे। तो अब देखिए, टॉप लीडरशिप के बीच में जब बातचीत होगी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा और कट टू कट बात होगी। लेकिन बड़ी बात निकल के सामने यही आ रही है कि पंजाब को लेकर के एक बात कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों की स्टेट लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती किसी भी रूप में जो है वो सीट शेयरिंग की जाए, क्योंकि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी हो साफ तौर पर कह चुके हैं 13-0 का उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 13-0 की से वो सीट जो है वो जीत रहे हैं। तो आज भी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर यहां पर पंजाब को लेकर चर्चा नहीं। हाँ, अगली की बात करें दिल्ली को लेकर के दोनों ही पार्टियां सहज हैं और 3-4-4-3 जो भी फॉर्मूला बैठे उसको लेकर तैयार है। सकती है कि अगर इंडिया में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाती है, क्योंकि सबसे टफ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा रहेगा, और अगर ये बात बन जाती है तो बाकी दलों के साथ उम्मीदें कांग्रेस के साथ बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, आगे भी ट्रैक करते रहिएगा इस खबर को। लेकिन सबसे अहम खबर ये कि कल सुबह 11:30 बजे इस गठबंधन की वर्चुअल बैठक भी होनी है, जिस पर हमारी निगाह रहेगी।